नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS Analysis पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों से जो मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, वो डिमांड कर रहे थे कि मैं नेचुरल गैस का MCX फ्यूचर्स पर भी अपना विश्लेषण दूं। तो मैंने आपसे डिसाइड किया है कि मैं CFD फ्यूचर्स के विश्लेषण के साथ साथ MCX फ्यूचर्स को भी एनालाइज करूंगा। तो यहाँ मैं MCX के फ्यूचर्स को एनालाइज करने जा रहा हूं। तो यहां आप देख सकते हैं एक मंथली चार्ट, जिसको मैंने थोड़ा इलाज किया है आपको समझाने के लिए। तो यहां सबसे पहले हम एक मंथली चार्ट का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि कहां पर नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को यानी MCX फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस मिल सकती है और कहां कहां हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जब से ये एक हाई बनाया है इस सीजन का 23 अगस्त को 801.35 रुपए पर, तब से लेकर हमने यहाँ सेलिंग देखी जो कि काफी तेज हो गई। सितंबर के माह में देख सकते हैं कि नेचुरल गैस से एक हाई लगाया 747 रुपए का और ये लगातार गिरावट देखता रहा। पूरे महीने हमने गिरावट देखी और यहाँ जो सपोर्ट मिली वो 9 डेज मूविंग एवरेज पर मिली है एक मंथली टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये ध्यान रखें कि एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने नवंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ बाइंग देखी, जिससे नवंबर में नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने जो क्लोजिंग दी वो 558 रुपए पर दी। उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि एक कोशिश हुई इस स्तर को तोड़ने की और ये स्तर है 591 रुपए का, जहां से हमने एक सेलिंग देखी। बिकवाली का दौर जारी रहा, जहां की अक्टूबर के माह में ये गिरावट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इन स्तर तक धकेल गई और ये स्तर थे 403.74 रुपए का, जहां की हमने अक्टूबर के महीने में यहां तक एक गिरावट देखी, जहां से हमें एक अच्छी बाइंग सपोर्ट मिली और नेचुरल गैस की एक वापसी हुई और अंत में अक्टूबर की जो क्लोजिंग हुई वो 570 रुपए के आसपास हुई। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अच्छी बाइंग सपोर्ट हमें मिली 26 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाकर। एक तेज गिरावट जब हुई तो यहाँ से अच्छी बाइंग सपोर्ट हमें मिली 404 रुपए के स्तर से, मैं कहूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि नवंबर के माह में किस तरह की मूवमेंट रही, कि यहाँ हमने फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 26 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आते हुए देखा और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक लो टेस्ट किया 483 रुपए का और जो एक हाई लगाया वो लगाया 616 रुपए का, जहां से बिकवाली जारी रही। यहां हमने देखा कि नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने नवंबर के महीने में कोशिश की थी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की, परंतु यहां से एक बिकवाली का दौर जारी हुआ। वापस नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने बंद किया 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यानी 571.45 रुपए पर। अब आप देखें कि दिसंबर के महीने में क्या होता है, एक शुरुआत होती है और यहाँ हमने एक मूवमेंट देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने में नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने 587 रुपए का एक हाई लगाया, परंतु यहाँ बिकवाली का दबाव साफ साफ देखा जा सकता है। तो यहाँ एक मंथली चार्ट में ये मूवमेंट साफ तौर से एक बिकवाली जारी रहने का संकेत दे रही है, क्योंकि बदलती हुई मौसम की घोषणाएं नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को एक नए लो को टेस्ट करा सकती है इस महीने में। क्यों? तो यहाँ मेरा मानना है कि बदलती हुई मौसम की घोषणाएं और ज्यादा अस्थिरता लाएंगी, नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी इस महीने के दौरान। यहाँ मेरा मानना है कि दिसंबर के महीने में हम इस ग्रॉड को आने वाले हफ्ते में जारी रहते हुए देखेंगे, बुधवार तक तकरीबन, और बुधवार से हो सकता है मौसम में कुछ बदलाव आए, जहां की कुछ वापसी हो सके इन स्तरों से, क्योंकि ये जो स्तर है यानी 518 रुपए का एक अहम स्तर है, तो ये स्तर भी टूट सकता है अगर मौसम की संभावनाएं फिर से गर्म मौसम के बारे में होती हैं कि मौसम गर्म रह सकता है, नॉर्मल रहने के बजाय गर्मी थोड़ी बढ़ सकती है, तो फिर ये गिरावट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इन स्तरों के नीचे तक ले जाएगी, जहां की पहली जो सपोर्ट होगी वो 26 डेज मूविंग एवरेज की होगी, जो कि अभी 483 रुपए पर है। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस महीने में इस सपोर्ट को तोड़ा तो अगली जो अहम सपोर्ट होगी वो
4374 वैसे की होगी, जहां की नेचर गैस फ्यूचर्स ने अक्टूबर के महीने में इन लोस को छुआ था। तो इस महीने के मध्य में मौसम में एक बदलाव आएगा, यानी 13 दिसंबर के बाद एक बदलाव मौसम में आने की संभावना है, जब एक सर्द मौसम की शुरुआत होगी। तो यहाँ मेरा मानना है कि इस महीने में यदि हमने इन लेवल्स को फिर से टेस्ट किया तो यहाँ से एक बाइंग का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली की शुरुआत होगी फिर से, जैसे हमने अक्टूबर माह में देखी थी, जो कि फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को ऊपर की ओर धकेल सकती है, जहां कि मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 616 रुपए के स्तर को भी छू सकते हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो वॉलिटिलिटी है, इसमें जो शुरुआत होगी यहाँ से, इससे ऊपर किसी भी स्तर से हो सकता है नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस स्तर से, यानी 422 रुपए के स्तर से भी एक वापसी लें, क्योंकि ये स्तर भी एक अहम स्तर है जहां से हमने एक वापसी देखी है नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में जुलाई के महीने में, और आप कह सकते हैं कि अप्रैल में भी इसी स्तरों से एक अच्छी वापसी देखी गई। तो ये जो स्तर है 421.32 रुपए का, यहां भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक अहम सपोर्ट ले सकते हैं इस महीने में, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अक्टूबर माह के मूव्स को रिपीट किया तो ये मूव दिसंबर के मध्य तक तो इन स्तर तक रख सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि 13 दिसंबर से मौसम में एक बदलाव आएगा, और जहां कि हम एक तेज उछाल नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखेंगे, और इस उछाल के दौरान यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक ब्रेकआउट दिया तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 616 रुपए के स्तर के ऊपर भी जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेजी लाएगी। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये जनवरी फ्यूचर्स के चार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पिछले हफ्ते में एक अहम स्तर को छुआ, इस गिरावट में, यानी 521 रुपए तक नीचे आया, जहां से एक तेज खरीदारी नेचुरल गैस फ्यूचर्स को वापस ऊपर की ओर ले गई, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग की वो 554.80 रुपए पर की है। तो यहाँ मेरा मानना है कि एक वीकली चार्ट के अनुसार जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई है वो इचिमोकु क्लाउड के ऊपर हुई है, जिससे कि अब देखना है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत किन स्तरों से होती है। यदि हम इन स्तरों को बचाने में कामयाब रहते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग के दौरान, यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 521 रुपए के स्तर को नहीं तोड़ते, तो मेरा मानना है कि फिर से एक तेज उछाल नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इचिमोकु क्लाउड के ऊपर रखने की कोशिश करेगा। परंतु वही अगर ये गिरावट जारी रहती है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो 9 डेज मूविंग एवरेज का होगा, जो कि अभी 509.70 रुपए पर है, और यदि इस स्तर को तोड़ा नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते में, तो जो उससे अगला सपोर्ट है वो इचिमोकु क्लाउड का लोअर एंड होगा, यानी 485.72 रुपए का एक सपोर्ट यहाँ दिखता है मुझे। और यदि ये गिरावट जारी रहती है उससे अगले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि फिर हमें देखना होगा कि क्या इस एम सपोर्ट को नेचुरल गैस के एम फ्यूचर्स बचा पाते हैं या नहीं। और ये सपोर्ट है 467.50 रुपए का, और यदि यहाँ एक ब्रेक डाउन हुआ नेचुरल गैस के एम फ्यूचर्स का, तो ये मैं बात कर रहा हूँ अगले से अगले हफ्ते की, यानी यदि 13 तारीख तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस स्तर को नहीं बचा पाते, यानी 467 रुपए के लेवल को, तो यहाँ से एक ब्रेक डाउन नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इन स्तरों तक धकेल सकता है, यानी 404 रुपए तक। यहाँ से फिर एक वापसी नेचुरल गैस को फिर से ऊपर की ओर एक तेजी दिखाएगी, जहाँ की मेरा मानना है कि यहाँ पर बुल्स की अधिकता काफी रहती है। तो यहाँ से हमें एक बड़ा उछाल नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स में देखने को मिल सकता है, यहाँ की हम इस महीने के अंत तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 616 रुपए के ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ की अगला रेजिस्टेंस होगा 648 रुपए का। ये एक अहम रेजिस्टेंस है, और यदि नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स ने इस स्तर को भी तोड़ा तो ये तेजी नेचुरल गैस फ्यूचर्स को ये स्तर भी दिखा सकती है, यानी 690 रुपए के स्तर भी दिखा सकती है। तो दोस्तों यहाँ वॉलिटिलिटी काफी अधिक आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि मौसम किस ओर बदल रहा है, मौसम की जो आने वाली संभावनाएं हैं उन पर खास नजर रखनी होगी, और ये आपको खुद करना होगा, क्योंकि मौसम की जो अनाउंसमेंट है उस पर आप कड़ी नजर रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव डिमांड सप्लाई इक्वेशन को पूरी तरह से ऊपर ले आता है, जो कि अभी बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल मूव्स
जिनकी वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में तेजी आई थी वो अभी भी जारी है, यानी यूक्रेन को लेकर अभी भी अमेरिका में और रूस में तनातनी बनी हुई है। वहीं यूरोपियन देश भी आने वाली सर्दी के लिए एक बड़ी मात्रा की यानी नेचुरल गैस के बड़ी खेप की इंतजार में है। तो देखना है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, वो डेवलपमेंट्स भी नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को एक दिशा प्रदान करेंगी। हो सकता है कि इस कंपटीशन के दौरान यानी सर्दियों से बचने के लिए नेचुरल गैस फ्यूचर्स की सप्लाई बढ़ा दी जाए अमेरिका द्वारा, उसका भी प्रभाव रह सकता है। परंतु अभी तो देखना है कि मौसम किस ओर करवट रहता है। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ एक डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने किस तरह एक हाई लगाया 23 नवंबर को, जहां की 615 रुपए के ऊपर तक गया था नेचुरल गैस के फ्यूचर्स। परंतु यहां से बिकवाली का दौर जारी रहा और यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह एक फिर अटेम्प्ट हुआ 29 नवंबर को, जहां की एमसीएक्स फ्यूचर्स ने इचिमुक क्लाउड के अपर एंड को तोड़ने की कोशिश की थी परंतु विफल रहा और ये गिरावट तेज हो गई, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 200 डेज मूविंग एवरेज की अहम सपोर्ट को भी तोड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने शुक्रवार को 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया है पूरे दिन, और 26 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद हुआ है, जो कि एक मंदी का संकेत है। तो ये सब इंडिकेटर है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ भी हो सकती है, जहां की डिपेंड करेगा कि नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स किस प्रकार ओपनिंग देते हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि इन सब संकेतों से ये ज्ञात होता है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक बड़ा गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखा सकता है, और यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत 506 रुपए के नीचे हुई तो ये गिरावट कहीं अधिक तेज हो सकती है, जहां की पूरे हफ्ते हम एक गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखें। परंतु यहाँ जो एक इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 484 रुपए का होगा, यदि इसके नीचे नेचुरल गैस फ्यूचर्स अगली सपोर्ट जो है 467 रुपए की इसको नहीं बचा पाता अगले हफ्ते में, तो ये गिरावट जारी रह सकती है उससे अगले हफ्ते में भी, जहां की हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस तरह को भी छूते हुए देख सकते हैं जो कि हमने अक्टूबर माह में छुए थे। हो सकता है कि उससे पहले यानी 13 तारीख से पहले मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है और फिर से एक वापसी यहीं से हो जाए, यानी 427 रुपए से भी वापसी हो सकती है। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा यानी भारत के सब्सक्राइबर होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं रेगुलर आपको एमसीएक्स फ्यूचर्स पर नेचुरल गैस के या अन्य कमोडिटीज के रेगुलर अपडेट्स देता रहूं। धन्यवाद।